मुज्तहिदीन पर यह एतराज होता है कि होमोस का पैसा सब खा जाते हैं, अब ये जाहिलाना एतराज ये सब हमारा पैसा खा रहे हैं, बटोर रहे हैं और ये यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और लोगों को बहुत इस किस्म की बातें करके जाहिलाना किस्म के एतराजात करके लोगों को महाराजे कराम से बरगश्ता किया जाता है। देखिए जबान तो ये जो छोटी सी है ये कलीलुल हजम और कसीरुल जुर्म, ये बहुत छोटी सी है लेकिन इनके जराइम की फहरिस्त बड़ी तवील होती है, कभी भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। वो उलमा के जो के तकवा और परहेजगारी में इंतहा से ज्यादा डूबे हों, जिनकी जिंदगियों में कभी उन महाराजे की जिंदगी में कभी आप कोई हराम नहीं दिखा सकते, हराम तो छोड़िए मकरू नहीं दिखा सकते, मकरू भी छोड़िए नामुनासिब काम भी नहीं दिखा सकते उनकी जिंदगियों में, तो वो इतना बड़ा गुना कि माले इमाम वो सब लोग हड़प कर जाए, कब उनको इबादत की कोई तौफीक मिलेगी, कब वो तौफीक तरके गुना उनको मिल सकेगी जो उनकी जिंदगियां जिससे बिल्कुल खाली नजर आ रही। देखिए सियासतदान जितने अफराद हमें उनको माशरे में नजर आते हैं जो जुल्म और हराम का पैसा खाते हैं, उनकी जिंदगियां गुनाहों से भरपूर नजर भी आती, वो लेविश लाइफ स्टाइल उनके नजर भी आती है, वो पैसे को इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अब हम आपको चंद चीजें आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि उनका तर्ज जिंदगी महाराजे कराम का क्या है। उनका तर्ज जिंदगी इंतहाई सादा, इमाम खुमैनी, अब आप इनके अतराफ में मसलन कमरा भी देखें जिस जगह वो तकिए वगैरह रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, दीवारों में दरार तक है। कोई कह सकता है कि वो शख्स जो एक लिहाज से हमारी आम जबान में ईरान का बेताज बादशाह था, ये अगरचे इनके लिए मुनासिब नहीं इस किस्म के जुमले कहना लेकिन लोगों को समझाने के लिए, क्या चीज उसके अख्तियार में नहीं थी, वो अपनी जिंदगी का मियार बेहतर नहीं बना सकता, जमीन पे बैठ के वो दरियां चटाइयां कालीन ईरान के अंदर ऐसी जैसे आपके घर में चटाइयां होती, यानी कोई ऐसा हमारे यहाँ ये नहीं जैसे हमारे यहाँ समझा जाता कालीन है तो बड़े अमीर लोग हैं, ऐसा नहीं होता, वहां हर गरीब से गरीब शख्स के यहाँ भी कालीन होता, चटाई जिसको जिस तरह हमारे गरीब अफराद के घरों में होती। लेकिन उनकी जिंदगियों में कुछ नजर भी तो आए, इमाम खुमैनी को आप देखें पीछे जो दीवारें आपको नजर आ रही हैं घर में बैठे हुए, दीवारों पर बहुत सी जगह प्लास्टर तक नहीं, ये इनकी जिंदगियां। आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, जरा इनकी आप जिंदगियों को देखिए, किताबों के अलावा किसी जगह आप कमरे में कोई ऐसी आसाइशी चीज भी नहीं दिखा सकते, सिर्फ और सिर्फ जिनका हर वक्त कुरान और हदीस के अंदर ओढ़ना बिछोना। ये देखिए आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम का कमरा, जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, वहीं वो केतली रखी हुई है जिसमें से कहवा वगैरह निकाल के पीते हैं, वो जो कोई शेल्फ भी नहीं है जिसके अंदर वो कोई दवा कोई चीज कोई मोहर अपनी सब चीजें रखने, बल्कि दीवार का एक कॉर्नर सा बाहर निकला हुआ है और उसी के ऊपर ही अपनी चीजें रखी हुई, आम सादा तरीन जिंदगी। आयतुल्लाह हुसैन ब्रोजर्दी, ये देखिए इनकी जिंदगी इंतहाई सादा तरीन जिंदगी, वो अफराद के जिनके पास वाकई इतना पैसा पूरी दुनिया से माले इमाम का और खोमोस का आता है, जिसको वो तबलीगात और मसारिफ दीनिया में खर्च करते हैं, जैसे पैगंबर के पास पूरे जगह तमाम जगहों से आता था, आइमा मासूमीन के पास हर जगह से जमा होकर आता था, उन मसारिफ में खर्च किया जाता था, अपने ऊपर नहीं खर्च करते थे, जरूरियात जिंदगी के मुताबिक लेते थे, बाकी सब आमतुल मुस्लिमीन पर खर्च होता था। आयतुल्लाह हुसैन ब्रोजर्दी, साथ में जो बैठे हुए मुल्ला तकिया फलसफी, अच्छा इसी तरीके से आयतुल्लाह फाजिल लनकरानी, इनके पास कहीं कोई चीज नहीं नजर आएगी, कोई ऐशो इशरत वाली चीज नहीं, सिर्फ वही किताबें किताबें, आप कोई और ऐसी आप चीज किसी जगह से नहीं निकाल के दिखा सकते। आयतुल्लाह सानी, इसके अलावा ये भी आयतुल्लाह हुसैन ब्रोजर्दी, अतराफ में देखते हुए पता चल रहा है कि सादा तरीन जिंदगियां इन लोगों की थी, सादा तरीन। आयतुल्लाह अली आका काजी, जो आयतुल्लाह बहजत के भी उस्तादों में से थे और आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबा तबाही के साथ उस्तादों में से थे इरफानियात के, यह उनका घर, यह उनका घर नजफ, यानी इंतहाई गरीब तरीन अफराद के लेवल के ऊपर, इस तरीके से आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम हुआ करते थे कि गरीब तरीन अफराद के लेवल के ऊपर जिंदगियों को बसर करते थे। सीधे हाथ से दूसरे आयतुल्ला मिलानी, और जिस जगह वो बैठे हुए वहां पे भी आप देखें दरवाजों के मसलन वो शीशे तक टूटे हुए, यानी जब गुरबत, यानी जो वो अफराद के जिनके पास खोमोस का माल आता है और आप कह रहे हैं वो सारा माल हड़प कर रहे हैं, तो वो नजर भी आता है ना कि मसलन कोई अपना लेविश लाइफ स्टाइल पर खर्च कर रहा है और उस अपने वो बना रहा है और गैर मुल्की तबलीगी दौरों पर जाके मसलन यूरोपियन कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो जाके जो उसको खर्च करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कोई इनकी शख्सियत में
कोई हराम के पूरी दुनिया माइक्रोस्कोप लगा के इन मराजों को देख रही कि कहीं कोई गलती नजर आए तो हम उसको उछालें, कहीं कोई चीज नहीं, हत्ता कोई मकरू नहीं, मैं तो कहता हूं नामुनासिब चीज भी नजर नहीं आती जिंदगी। आयतुल्ला खोई पूरी दुनिया से खामोश आता था, लेकिन अपना जिंदगी सादा तरीन जिंदगी। अब देखें पीछे अलमारियों की सूरत हाल देखें, जो किताबें रखी हैं वो सूरत हाल देखें, एक एक चीज से सादगी जो है वो टपक रही होती। जिस जगह दरस खारिज आयतुल्ला खोई दिया करते थे वहां देखें दीवारें पीछे, कम से कम उस जगह पर तो ऐसा इंतजाम होने चाहिए थे और ऐसी कोई गुर्बत का माहौल भी नहीं था जिस एतबार से जो पूरी दुनिया से खामोश जो आता हो तबलीगात के अंदर, क्योंकि खर्च किया जाता है अपने ऊपर, महाराजे खर्च नहीं करते। आयतुल्ला जवाद अंसारी हमदानी जिस जगह नमाज पढ़ा करते थे, वजू पीछे आप हालत देखिए कि हमारे गरीब से गरीब अफराद के घर भी इस तरह से आमतौर पर नहीं होते जैसे महाराजे कराम के घर। आयतुल्ला सैयद मोहम्मद शिराजी पीछे आप देखें कि दीवार का रंग और वो तब तमाम उखड़ा हुआ है, जिस एतबार से सादा तरीन जिंदगियां जो है गुजारते। आयतुल्ला सिस्तानी जिन जो अफराद भी जियारत पे जाते हैं और मुलाकात करते हैं वो देखते हैं, तो पीछे आप देखें सादा तरीन, बस सिर्फ किताबें हैं, वो भी कोई शेल्फ भी अलग से नहीं है, दीवारी का एक कोना जो है वो जरा बाहर को निकला, उसी के ऊपर सारी किताबें वगैरह रखी हैं, और हमेशा वही फर्शी नशिस्त, कोई ऐसी चीज को एक छोटी से छोटी चीज भी आप नहीं बता सकते जो गैर जरूरी वहां पर। आयतुल्ला अली खामनाई रहबर मौसम उनके वालिद का घर है, कितना लेविश होना चाहिए था सुलन दुनिया के एतबार से, लेकिन अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। ये खुद उनका अपना घर, बिल्कुल एक आम से ईरानी का घर जो होता, बिल्कुल आम घर, ये जिस जगह बैठ के पढ़ते हैं बस वही किताबें हैं, वही कोई ऐसी अलग से कोई चीज नहीं, और ये खुद उनका अपना घर जो 60 से 70 मीटर से ज्यादा जो जिसका तूलो अर्ज भी नहीं है, और ये सादा तरीन घर, कोई कह सकता है कि ये इतनी सादगी होगी होनी चाहिए किसी के अंदर तो चीज नजर आए, ये सिर्फ जबान को हिला दिया फकत हमने कि इस खामोश का पैसा बटोर जाते हैं हमारा और हजम कर जाते हैं और कैसे निकाल कर देंगे जो चीज हजम हो चुकी होगी पहले, इतने ऐसे ऐसे अल्फाज के आपको पढ़ के आपका खून खोल जाए। आयतुल्ला हसन मुदर्रिस किस तफ्तात के जवाब दे रहे, सारे खतूत पूरी दुनिया से आए, आप कपड़े उनके देखें, सादा तरीन जिंदगी कि आयमा मासूमिन अलैहिस्सलाम की जिंदगी याद आ जाए जिससे। ये जिन्होंने कौम का हौज इल्मिया कायम किया था आयतुल्ला अब्दुल करीम हायरी उनका घर, वो कह सकता है जिसने कौम को हौसले इल्मिया कायम किया हो कितनी बासर उसकी, आमतौर पर मराजे की शख्सियात भी बासर होती हैं, कितने फायदे हुक्काम वक्त से माजल्ला जो है वो ले सकते हैं, जो कि मैंने कहा था कि इस्लाम की सियासत इलाहिया जो है वो यही है इसके अंदर कि किसी का मोहताज नहीं होना पड़े, आप कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सके, जो पैसे आपको देगा कल को अपनी शर्तें भी रखवाता है फिर तो। इस्लाम ने ऐसा मजबूत सिस्टम बना के दिया कि मराजे ना कभी बिके हैं ना झुके हैं ना किसी से ब्लैकमेल हुए ना उनको कभी मांगने की जरूरत पेश आई। आयतुल्ला अब्दुल करीम हायरी का घर, ये आयतुल्ला दस्तेगैब शिराजी का घर, यानी समझे बिल्कुल कच्चा बना हुआ, पक्की छत तक उस लिहाज से नहीं है, बस उसके ऊपर लकड़ियां वगैरह रख के जो इस तरह से ढाप दिया गया। आयतुल्ला बाकर सदर पूरी जिंदगी आप किसी भी आलिम को उठाकर देख, ये आयतुल्ला शेख जवाद तबरेजी सादा सा घर, वही नीचे बैठे हुए हैं फर्शी नशिस्त, कोई चीज ऐसी नहीं है, बिल्कुल एक आम सा एक घर एक गरीब आदमी का जो जिस तरह से होता। तो बहरहाल देखिए तमाम ये उलमा इनकी जिंदगियां, ये सिर्फ कहना जुबान से, अगर आप बल्कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, 3-4 घंटे आप और मुझे दे दें अगली दफा, और वो आप नहीं देंगे और ना मैं उस लिहाज से आपका वक्त जाया करूंगा, लेकिन अगर कभी हो जाए तो 3-4 घंटे सिर्फ आपको उनकी जिंदगी की तस्वीर दिखा के आपको पता चल जाए कि वाकई इनकी क्या जिंदगी है, कि हम सिर्फ इतने इल्जाम सुन लेते हैं लोगों के और लोगों की इस तरह की बातें, अरे ये सब मौलवी हजरात और ये मुज्तहिदीन हमारा पैसा खा जाती,